मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति से परहेज है। उनका कहना है कि किसी राजनीतिक दल को ऐसा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि यह किसी पार्टी का काम नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होंगे या नहीं, यह तो अभी तक भविष्य के गर्त में है। लेकिन उन्होंने गुरुवार को पार्टी के चिंतन शिविर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए कहा कि बिहार में आज जो कानून व्यवस्था की हालत है वह पूर्ववर्ती लालू सरकार से भी बदतर हो गई है। कुशवाहा ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदतर हालत पर चिंतन जाहिर करते हुए इसके लिए व्यवस्था को दोषी बताया और आरोप लगाया कि बिहार के स्कूलों में अभी ऐसे शिक्षकों की बहाली की गई है जो सही ढंग से आवेदन भी नहीं लिख सकते। रालू सपा प्रमुख ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश की थी लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया। कुशवाहा ने इससे पहले कहा था कि चिंतन शिविर के बाद 6 दिसंबर को वह घोषणा करेंगे कि राजक में ही रहना है या इससे निकल जाना है, मगर पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की।